हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, क्लास 10th और 12th के ऑल सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट के बने हुए हैं और MCQ भी जल्दी से जल्दी कराने वाला हूं। सबसे पहली बात यह है, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और एक्स्ट्रा भी, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो होते जाएंगे मैं आपको बता देता हूं। चैप्टर नंबर 1 में आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 करना है, पूरा 6 करना है और एग्जाम्पल करनी है 7, 10 और 11, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले एक्स जी ई एक्स लिखा होगा ना, ई एक्स का मतलब आपको प्रश्नावली देखनी है। जैसे एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको देता हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से आपका 75 में से 30 के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं और बचे 45 के क्वेश्चन आएंगे। तो 45 में से कम 40 का एक आदि क्वेश्चन छूटेगा, सभी इसमें से लगभग आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा पेपर करके आना है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप जरूर लगाइए। मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इसके अलावा जो भी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे का पूरा पेपर इन क्वेश्चन में से आ जाएगा, ठीक है। तो बात यह आती है इनको कैसे करना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको बोलता जाता हूं, स्क्रीन पर आते जाएंगे। तो एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर अच्छे से, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताने वाला हूं। अब चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, चौथा और छठवा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला, दूसरा और तीसरा करना है और एग्जाम्पल 3 और 4 कर लेने हैं आपको। अगर जो मैं आपको इसमें बताते जा रहा हूं, इसमें जो भी बताते जाऊंगा वो पूरा का पूरा आपको पेपर में मिल जाएगा, लगभग एक आधी जो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो कम पड़ेंगे वो इसमें से मिल जाएंगे। मतलब इन दोनों को कर लिए तो पूरा का पूरा 45। अगले वीडियो में मैं आपको 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, उसका वीडियो का आप वेट करेंगे 1-2 दिन के लिए, पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा, पूरा का पूरा पेपर। मतलब मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, पूरा का पूरा एक एक कोटि इसमें से आएगी, जो आपको बताऊंगा किस तरीके से करनी है, पूरा का पूरा वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिए और आपको 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगी। तो चैप्टर नंबर 3 में अच्छा ज्यादा नंबर का आने वाला है, इसलिए उसमें क्वेश्चन ज्यादा है। तो एक्सा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है, एक्सा 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिर्फ पहला और दूसरा करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड लैंग्वेज वाले सिर्फ। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला करना है और तीसरा करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर शो रहे हैं, आप वहां से अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.1 का करना है। तो ऐसे मैंने आपको सारे इंपोर्टेंट दे दिए हैं, ठीक है। वीडियो लंबा नहीं होगा ये आपको, अगर अब एक मुद्दे की बात सुन लीजिए, अगर जो बच्चे क्लास 10th हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस OT ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सैंपल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो का पूरा पेपर में आएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन और सैंपल पेपर, इन तीनों की आपको अगर PDF चाहिए, इन तीनों की आपको अगर PDF की रिक्वायरमेंट है, मतलब पूरा स्टडी मटेरियल आपको चाहिए हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का, ठीक है, और आपको पूरा का पूरा चाहिए, तो इंपोर्टेंट वीडियो आप समझ लीजिए अच्छे से, तो आपको ₹50 पे करनी पड़ेंगी, ₹50 पे, ठीक है। स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन लिंक में QR कोड दिया गया है, स्क्रीन पर आपको QR नंबर सेव हो रहा है, UPI नंबर भी सेव दिख रहा होगा,
नहीं जान, इसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई, वहां पर जाकर आप ₹50 पेमेंट करके आप इसका स्क्रीनशॉट, इन स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर आपको मुझे सेंड करना है। समझ में आ गई क्या कह रहा हूं मैं? आपको ₹50 पे करना होगा, स्क्रीनशॉट उसका सेंड करना होगा, तो मैं आपको इनकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पूरा का पूरा टेंथ का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसके अलावा आपको एक भी नहीं चाहिए, प्लस इसमें नोट्स हिंदी और इंग्लिश, मतलब नोट्स मतलब चैप्टर वाइज सभी फॉर्मूले, सभी डेफिनेशन, सब कुछ मिलेगा उसमें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए, और नोट्स, जिसमें आपको क्या मिलेगा नोट्स में क्या होगा बच्चों, चैप्टर वाइज मतलब चैप्टर वन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट फॉर्मूले और उसकी डेफिनेशन, सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको एग्जाम में भी सहायता दी जाएगी, एग्जाम में भी सहायता दी जाएगी। दूसरी बात इसमें यह भी है, आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी मिलेगा, डाउट क्लासेस ली जाएंगी और काफी सारी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है ना। और जिसको पूरा मटेरियल चाहिए, जिसमें टेंथ के और सब्जेक्ट चाहिए बच्चों, टेंथ के ऑल सब्जेक्ट का ये पूरा मटेरियल चाहिए, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे और जितना हो सकेगा मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। मैं आपको पहले क्लियरली बोल रहा हूं, मैथ का तो आपको पूरा मिलेगा, मैथ का आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं साइंस का भी दे दूं, और टेंथ ऑल सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको ₹100 पे करने होंगे। कितने पे करने होंगे बच्चों? ₹100। अगर टेंथ के ऑल सब्जेक्ट का पूरा मटेरियल चाहिए तो आपको ₹100 आपको पे करना होगा, ठीक है ना। मैथ के लिए सिर्फ आपको ₹50 पे करना होगा, बाकी सबके मैं इंपोर्टेंट ओटी भी दे दूंगा, सैंपल पेपर भी दिए जाएंगे आपको, पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। कोशिश करूंगा सॉल्यूशन भी दे दूंगा आपको, पर मैं पक्का नहीं कह सकता सॉल्यूशन की, लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सैंपल पेपर, ये तीनों की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको जानकारी समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में आप अच्छे आसानी से पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, क्या बताया मैंने आपको वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।